तो अब हम करेंगे हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट टू, जो कि है हमारा लॉन्ग आंसर। तो हम 2015 से 20 के बीच में जितना भी लॉन्ग आंसर पूछा गया है वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ है हर एक सब्जेक्ट की, तो वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, वो भी जल्द से जल्द। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन हमें क्या दिया है, नेबर मस्ट हैव अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विच लोमोव एंड नटालिया डू नॉट हैव, डिस्क्राइब द फर्स्ट फाइट बिटवीन देम। तो देखो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 4 मार्क्स के हिसाब से लिखना है हमें। तो देखो पूछा क्या गया है कि जो नेबर्स हैं उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन रहता है, लेकिन लोमोव और नटालिया के बीच में ऐसा देखा नहीं गया था। तो उनकी जो फर्स्ट फाइट है उसे हमें बताना है। तो क्या हुआ था कि लोमोव गया था नटालिया के घर पर उसका प्रपोज करने, लेकिन लोमोव ऑफ टॉपिक जाके बोलता है कि जो मेरा ऑक्सन मीडोज है वो तुम्हारे ब्रेचूट को टच करता है। तो इस बात पर उनकी लड़ाई स्टार्ट होती है, तो वही हमें लिखना है। लोमोव एंड नटालिया फॉट विथ ईच अदर वेन लोमोव वेंट टू प्रपोज नटालिया। तो जब लोमोव गया था नटालिया को प्रपोज करने, तब उन लोग की लड़ाई स्टार्ट हो गई। लोमोव गॉट ऑफ टॉपिक, तो वो ऑफ टॉपिक जाके क्या बोलता है, ही टोल्ड नटालिया हाउ ही हैज इनहर्टेड हिज लैंड एंड हिज ऑक्सन मीडोज टच नटालिया ब्रेचूट। तो क्या बोलता है लोमोव कि उसने वो लैंड कैसे प्राप्त किया है, और साथ ही साथ जो उसका ऑक्सन मीडोज है कैसे नटालिया के ब्रेचूट को टच करता है। तो बस इतना सुन के नटालिया क्या बोलती है, हियरिंग दिस नटालिया सेज दैट द ऑक्सन मीडोज बिलोंग टू हर फैमिली। तो वो नटालिया बोलती है कि वो तुम्हारा ऑक्सन मीडोज थोड़ी ना था, वो तो मेरा था। उसके बाद बोथ ऑफ देम स्टार्टेड आर्ग्यूइंग ओवर द डिस्प्यूट प्रॉपर्टी। अब देखो क्या हुआ, यही बात के चलते जो लोमोव ने बोल दिया था उसके चलते उनका झगड़ा स्टार्ट हो गया। अब उसके बाद लोमोव क्लियर्स दैट द ऑक्सन मीडोज वॉज गिवन बाय हिज आंट्स ग्रैंडमदर टू हिज फादर्स ग्रैंडफादर्स पीजेंट फॉर फ्री। तो लोमोव बोलता है कि जो मेरी आंटी की ग्रैंडमदर है, उन्होंने तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर के पीजेंट्स को वो फ्री में दिया था लैंड, ताकि क्या कर सके, लोग उधर खेती कर सके, और साथ ही साथ उसके बदले में वो क्या करते थे, उनके लिए ब्रिक्स बनाते थे। लेकिन नटालिया क्या करती है, बट नटालिया डिसएग्रीज। तो ये बात पे नटालिया बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है, वो मेरा ही है। दस बोथ ऑफ देम कंटिन्यू द आर्ग्यूमेंट एंड थ्रेटनिंग ईच अदर। तो क्या करते हैं, वो आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू रखते हैं और एक दूसरे को क्या करेंगे, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन नेबर्स। तो देखो हमें क्या करना चाहिए, एक अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहिए नेबर्स के साथ। दैट वॉज एबसेंट बिटवीन लोमोव एंड नटालिया, जो कि इनके अंदर नहीं था, लोमोव एंड नटालिया के अंदर। तो इतना बड़ा आपको आंसर लिखना है। अगर आपको ये छोटा अभी भी लग रहा है, तो अगर आप अपने पेज पे लिख के देखोगे तो पूरा पेज ही भर जाएगा, क्योंकि जो आप ऐसे मोबाइल पे देखते हो आपको छोटा ही दिखता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब दिया है हमें, वंस वी डिसाइड टू अचीव समथिंग सो मेनी डिफिकल्टीज कम इन अवर वे, विथ फोकस अटेंशन वी कैन मेक दैट अचीवमेंट। How did Valli succeeded in fulfilling her desire of riding a bus? तो देखो क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि देखो जब भी हम लोग कुछ चीज़ को क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं ताकि वो हम अचीव कर सकें, कुछ चीज़ को हमें अचीव करना रहता है, तो बहुत सारी बाधाएं हमारे रास्ते में आती हैं। लेकिन अगर हम पूरा फोकस और अटेंशन उसी चीज़ पर डाल दें, तो हमें कोई नहीं रोक सकता उसे जीतने से, उसे हासिल करने से। तो यही सेम चीज़ वल्ली के बारे में हमें एक्सप्लेन करनी है कि उसने बस राइड का डिज़ायर कैसे फुलफिल किया। तो देखो कैसे किया था उसने, तो वही हमें लिखना है। वल्ली वॉज अ 8 ईयर्स ओल्ड गर्ल। देखो वल्ली 8 साल की लड़की थी, हु हैड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू ट्रैवल ऑन अ बस। तो उसके अंदर एक बहुत अच्छा डिज़ायर था, बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था कि उसको बस में ट्रैवल करना है। ही हैड डिसाइडेड स्ट्रॉन्गली दैट शी वुड हैव अ बस राइड। तो उसको एक स्ट्रॉन्गली डिज़ायर था कि अब वो तो बस राइड करके ही रहेगी। टू फुलफिल दिस, तो उसको ये फुलफिल करने के लिए उसने क्या किया, शी गैदर ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट अ बस जर्नी। तो उसने जितना भी इन्फॉर्मेशन रहता है बस जर्नी के बारे में वो सब गैदर किया। शी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द टाइम दैट द बस टुक फ्रॉम विलेज टू द टाउन एंड द टिकट फेयर। तो सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती है कि कितना टाइम लेता है बस आने जाने को, और उसका टिकट फेयर कितना है, वो सब देख लेती है। उसके बाद शी ऑल्सो प्लान द टाइमिंग टू कैच द बस। वो टाइम भी डिसाइड कर लेती है कि कब उसको बस कैच करनी है। क्योंकि टाइम क्यों डिसाइड किया उसने, क्योंकि उसकी जो मम्मी है वो जब सोएगी तभी हो जाएगी, तो जब वो उसकी मम्मी नैप लेगी तभी वो जाने वाली थी। सो दैट हर मदर डजेंट नो अबाउट इट, ये हम लोग ने डिस्कस किया। शी कुड हैव मिस्ड द बस बट शी कमांडिंगली स्टॉप द बस एंड गॉट इन। अब क्या थी, वो बस छोड़ने वाली थी, मतलब बस छूटने वाली थी उसकी, लेकिन क्या हुआ, उसने बोला रुको, बस को बोला रुको, और उसके बाद बस जब रुक गई उसके बाद क्या हुआ, वो अंदर चली गई। दस शी फेस मैनी डिफिकल्टीज इन हर वे टू ट्रैवल ऑन अ बस। अब देखो क्या, छोटे बच्चे घबरा जाते जब उनकी बस छूट जाती, लेकिन वो बिल्कुल घबराई नहीं, सारी डिफिकल्टीज को उसने पार किया, और क्या किया, येट शी ओवरकम देम एंड सक्सीडेड इन फुलफिलिंग हर डिज़ायर। तो उसने क्या किया, सब अचीव किया और अपना डिज़ायर को क्या किया, प्राप्त कर लिया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड हमें क्या दिया है, स्कूल एजुकेशन टर्न बोली फ्रॉम अ डम काउ टू बोल्ड गर्ल, हाउ डिड शी सेव हर फादर
फ्रॉम अ ह्यूज एक्सपेंस एंड बिकम हिज सपोर्ट इन हिज ओल्ड एज। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो स्कूल एजुकेशन है, जब उसने भोली ने क्या किया, जब एजुकेटेड हो गए स्कूल तो स्कूल से, तब क्या हुआ, वो डम्ब काउ से, मतलब क्या थी, पहले बोलती वोलती नहीं थी, एकदम शांत रहती थी, लेकिन उससे अब क्या करने लगी, बोल बातचीत करने लगी एकदम, मतलब क्या हो गई, अभी एजुकेटेड पर्सन हो गई, तो फिर क्या हो गया, बोल्ड बन गई। तो हाउ डिड शी सेव हर फादर फ्रॉम अ ह्यूज एक्सपेंस, मतलब कि जो उसके पापा का नुकसान होने वाला था उससे उसने कैसे बचाया और कैसे उसने सपोर्ट किया उनको ओल्ड एज में, यही हमें बताना है। तो देखो भोली एट अ वेरी यंग एज हैड कॉन्ट्रैक्टेड स्मॉल पॉक्स, तो भोली जब छोटी थी तब उसके मुंह पे क्या आ गए थे, स्मॉल पॉक्स आ गए थे, उसके चलते क्या हुआ था, विच गेव पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, तो उसके वजह से पूरे काले काले से धब्बे आ गए थे उसके मुंह पे। शी ऑल्सो स्टैमर्ड वाइल स्पीकिंग, तो क्या करती थी, हकलाती थी बोलते हुए। पीपल मेड फन ऑफ हर वेन एवर शी स्पोक, तो जब वो बोलती थी तो सब उसका मजाक उड़ाते थे। दस शी चूज नॉट टू स्पीक, तो इसलिए उसने बोलना बंद कर दिया। भोली वॉज सेंट टू स्कूल वेर हर टीचर एनकरेजेस हर टू स्पीक एंड हेल्प हर टू बिकम कॉन्फिडेंट, तो देखो क्या, वो भोली को स्कूल भेजा गया, वहाँ उसके टीचर ने उसे एनकरेज किया ताकि वो अच्छे से और बोले, और वो बोली कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम बोलो, और उसकी वजह से उसको कॉन्फिडेंट बनाया। उसके बाद भोली वॉज आस्क्ड टू मैरी अ मैन हु वॉज ट्वाइस हिज फादर्स एज, तो भोली को क्या किया था, शादी करने का बोला था जो कि उसके पापा से डबल थे। उसके बाद क्या हुआ, शी एग्रीड फॉर हर पेरेंट्स, देखो अपने पेरेंट्स के लिए वो एग्री हो गई, बोली कि चलो ठीक है हो जाती हो कर लेते हो शादी। बट वेन ऑन द डे ऑफ मैरिज द ग्रीडी ग्रूम डिमांडेड डावरी, शी रेबल्ड एंड टुक अ स्टैंड फॉर वॉट वॉज राइट, तो क्या हुआ, जब शादी के दिन क्या हुआ, जो उसका ग्रूम था उसने क्या किया, उसका मुंह पे पॉक मार्क्स देख के बोला कि मेरे को डावरी चाहिए, 5,000 rupees चाहिए, तो वो क्या की, उसने बोला कि नहीं मेरे को शादी नहीं करनी, जाओ ऐसे उसने डायरेक्ट बोल दिया। उसके बाद एजुकेशन मेड भोली टेक अ वाइज डिसीजन, तो उसने क्या किया, करेक्ट डिसीजन लिया, राइट डिसीजन लिया। अगर वो एजुकेटेड नहीं होती तो ऐसा डिसीजन नहीं लेती, क्योंकि बोल विल नहीं पाती, तो मतलब उसके पापा का 5,000 rupees चले जाता। अब देखो क्या हुआ, शी सेव्ड हर फादर फ्रॉम अ ह्यूज एक्सपेंस, तो उसका जो पापा का जो पैसा था वो जाने से उसने बचा लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता, 5,000 पहले बहुत था। दैट दे वुड हैव गिवन इन द फॉर्म ऑफ डावरी, जो वो डावरी के फॉर्म में दे देते। ऑल्सो भोली है, भोली डिसाइडेड टू टीच इन द सेम स्कूल फ्रॉम वेयर शी हैड स्टडीड एंड दस विल सपोर्ट हर फैमिली फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। तो बोली बोली कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं आपको सपोर्ट करूँगी, और शादी का जिस स्कूल में मैं पढ़ी थी उस स्कूल में मैं पढ़ाऊँगी। तो हो गया हमारा, अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दिया है, इन लाइफ पीपल हु ईजिली ट्रस्ट अदर्स आर समटाइम्स मेड टू लुक फुलिश। तो देखो क्या होता है कि लाइफ में कभी भी जो इजिली जो लोग रहते जो ट्रस्ट कर लेते हैं दूसरे के ऊपर, वो उनको जल्दी उल्लू बना दिया जाता है। वन शुड नॉट बी टू ट्रस्टिंग, तो कोई भी इंसान को इतना मतलब ट्रस्ट नहीं कर लेना चाहिए किसी के ऊपर भी जल्दी से। डिस्क्राइब हाउ ओलिवर लुटकिंस मेड अ फूल ऑफ द यंग लॉयर, तो हमें यही डिस्क्राइब करना है कि ओलिवर लुटकिंस को कैसे उल्लू, ओलिवर लुटकिंस ने कैसे यंग लॉयर को उल्लू बनाया, बस यही हमें डिस्कस करना है। तो देखते हैं, द यंग लॉयर हैड गॉन टू विलेज टू सर्व समन्स ऑन ओलिवर लुटकिंस, तो जब वो विलेज गया ओलिवर लुटकिंस को लाने के लिए। एट द स्टेशन ही मेट बिल अ हैक ड्राइवर, तो स्टेशन पे वो किसको मिलता है, बिल को मिलता है जो कि हैक ड्राइवर रहता है। बिल प्रॉमिस द लॉयर टू हेल्प हिम फाइंडिंग लुटकिंस, तो बिल ने प्रॉमिस किया कि वो लुटकिंस को ढूंढेगा। अब देखो द लॉयर इजिली ट्रस्टेड बिल एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग, तो बिना कुछ सोचे समझे लॉयर ने क्या कर दिया, उसको सब बता दिया और उसके ऊपर ट्रस्ट कर लिया। बिल टुक द लॉयर टू फ्रिट्स देन द गुस्ताफ बार्बर शॉप देन ग्रेस शॉप एंड फाइनली लुटकिंस मदर, तो जो बिल है सॉरी जो ये है हाँ बिल है वो उसको अलग अलग जगह पे घुमाते गया, फ्रिट्स शॉप में लेके गया, गुस्ताफ बार्बर के शॉप में लेके गया, कहीं भी उसको नहीं मिल रहा था जो हमारा ओलिवर लुटकिंस है वो उसको कहीं नहीं मिल रहा था। फिर क्या हुआ, द हैक ड्राइवर बीफूल्ड द लॉयर एंड ऑल्सो मेड मनी बाय टेकिंग द लॉयर अराउंड, तो पूरा लॉयर को घुमा दिया इधर उधर, उसके बाद उसको लुटकिंस नहीं मिला, उसके बाद उसको रिटर्न भेज दिया। द हैक ड्राइवर वॉज लुटकिंस हिमसेल्फ, अब कहते हैं जो लुटकिंस था वो तो खुद हैक ड्राइवर ही था, उसको ऐसे उल्लू बना दिया। उसके बाद द लॉयर डिड नॉट रिकॉग्नाइज लुटकिंस एंड सो डिड नॉट रियलाइज दैट इट वॉज लुटकिंस हिमसेल्फ हु वॉज टेकिंग हिम अराउंड, अब क्या हुआ जो लॉयर था उसको कुछ पता नहीं था कि क्योंकि लॉयर ने आज तक वो उसको देखा नहीं था लुटकिंस को, तो वो लुटकिंस के साथ ही घूमने लगा पूरा, लुटकिंस ने उसको घुमाया, उससे पैसे भी निकलवा लिए और क्या हुआ उसका मजा हो गया। दस पीपल हु ईजिली ट्रस्ट अदर्स आर ऑनेस्ट एंड सिंपल हार्टेड,
तो ऐसे लोग जो दूसरों के ऊपर जल्दी से ट्रस्ट कर लेते हैं, वो सिंपल रहते हैं और उनका दिल साफ रहता है, लेकिन बट दे आर ऑल्सो द पीपल हु आर इजिली चीटेड, लेकिन उनके साथ ही ऐसा होता है कि जो बार बार जल्दी से चीट हो जाते हैं, मतलब क्या होता है, कोई भी उनका नुकसान कर देता है, उन्हें सब उल्लू बना देते हैं। दिस इज़ फुल्ली एप्लीकेबल टू द यंग लॉयर। तो ये ऐसा ही सेम यंग लॉयर के साथ हुआ कि उनको लुटकिन जो है उन्होंने एकदम आसानी से उल्लू बना दिया कि हैक ड्राइवर बन के उसने पूरा रोड घुमाया, पूरा शहर घुमाया, और उसके बाद उससे पैसा भी निकलवा लिया और उसको वापस भेज भी दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो ये जो क्वेश्चन है आप जरा ध्यान से पढ़ना, तो आपको जो सैम्पल पेपर है वहाँ भी मिला होगा, आपको जो मैंने शॉर्ट आंसर बताया था वहाँ भी मिला होगा, और अभी आगे भी ऐसे ही सेम एक क्वेश्चन आएगा। तो देखो मतलब ये जो क्वेश्चन आप ज़रूर से ज़रूर करके जाना, क्योंकि ये आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये शायद आ सकता है इस बार भी। देखो क्वेश्चन क्या है, वॉट लेसन ऑन डेथ एंड सफरिंग डिड द बुद्धा टीच गौतमी इन द चैप्टर द सर्वेंट मैनर्स। तो देखो जो बुद्धा है उन्होंने क्या बताया था गौतमी को, क्या लेसन दिया था, तो वही हमें बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्धा टॉट कीसा गौतमी एन इम्पॉर्टेंट मैसेज ऑफ लाइफ थ्रू एन एक्टिविटी। तो गौतम बुद्ध ने एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया एक एक्टिविटी करा के, क्या किया उसने, ही आस्क गौतमी टू प्रोक्यूर मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ लव वन। तो बुद्धा ने क्या बोला था कि ऐसे घर से मस्टर्ड सीड लेके आओ, हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड लेके आओ, जहाँ कोई अभी तक अपना लव वन, उनका जो लव वन है कोई मरा ना हो जिसके घर पे। तो गौतमी ऐसा कोई घर फाइंड नहीं कर पाई, गौतमी कुड नॉट फाइंड सच हाउस। उसके बाद क्या हुआ, बुद्धा टॉट दैट देयर वॉज नो वे बाय विच वन कुड अवॉइड डेथ और सफरिंग। तो ऐसा कुछ वे ही नहीं है जिसकी वजह से हम क्या कर सके, डेथ और सफरिंग को मना कर सके। जो इंसान जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन मरना ही रहता है। एवरीथिंग दैट इज बॉर्न मस्ट डाइड, जैसे पॉइंट अभी बोला कि जो जिंदा रहता है, जो जिंदा होता है उसे मरना रहता है एक ना एक दिन। ह्यूमन बींग्स टू कैन डाई यंग और ओल्ड, ह्यूमन बींग्स जो है कैसे भी मर सकते हैं, कोई कोई तो बहुत जवानी में मर जाते हैं, कोई कोई बुढ़ा होते ही मर जाता है, बुढ़ा होके मरता है। अब देखो एवरीथिंग दैट इज बॉर्न मस्ट डाइड, ये हो गया हमारा था। लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इज ट्रबल एंड फुल ऑफ पेन, तो इंसानों की लाइफ क्या रहती है, फुल ऑफ पेन रहती है और ट्रबल में रहती है। द ओनली वे टू ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड इज बाय गिविंग अप सॉरो कंप्लेन एंड ग्रीफ। तो क्या है, जितना भी दुख दर्द है हमें उसको छोड़ देना चाहिए, ताकि जिसकी वजह से हमें एक अच्छी लाइफ मिल पाए, माइंड का पीस मिल पाए। हमें जो दुख है कंप्लेन है वो सब क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। He taught her to look beyond her own grief and accept the truth of life and death. तो उसने क्या बोला कि अपने दुख के आगे देखो और वो एक्सेप्ट कर लो कि जो तुम्हारा बेटा है वो मर चुका है, वो उसे कुछ नहीं हो सकता, और लाइफ तो क्या है कि मरता जीना, एक मतलब बोल सकते हैं इसके बिना कुछ है ही नहीं जीवन, जो जिंदा होता है उसे मरना ही रहता है। तो उसने ऐसा बोला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया है, भोली इज अ चाइल्ड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स दैट दिस डिफरेंस मेक हर एन ऑब्जेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट एंड लाफर लैबोरेट। तो देखो इसमें जो है थोड़ा सा सेम पॉइंट आपका प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। अब देखो क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि भोली क्या थी, दूसरों से अलग दिखती थी और साथ ही साथ क्या थी, उसका सब मजाक उड़ाते थे और उस पर कोई ध्यान नहीं देता था, और ध्यान देता भी था तो सब उसको मजाक उड़ाते थे। तो यही बात को हमें इलेबोरेट करना है पूरा। तो स्टार्ट करते हैं, मतलब पूरा ब्रीफ में बताना है। When भोली was 10 months old, तो जब भोली 10 महीने की थी, she fell from her cot, एक cot से गिर गई थी वो। उसके बाद क्या हुआ, उसके जो ब्रेन है उसके उसके ब्रेन में डैमेज हो गया था, which caused some severe damage on her brain. उसके बाद she stammered when she spoke, जब बोलती थी तो वो स्टैमर करती थी। भोली was born pretty, मतलब जब जन्मी थी भोली तो बहुत सुंदर जन्मी थी। But she suffered from small pox that left dark pock marks on her face permanently. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके मुंह पे स्मॉल पॉक मार्क्स आ गए, और जो स्मॉल पॉक्स हो गया और उसके वजह से पॉक मार्क्स आ गए, पॉक मार्क्स काले काले से धब्बे पड़ गए परमानेंटली, मतलब रिमूव ही नहीं हुए। उसके बाद पीपल ऑफन मेड फन ऑफ हर ड्यू टू हर बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो देखो सबसे अलग दिखती थी वो, इसलिए सब उसका मजाक उड़ाते थे। हर रियल नेम वो सुलेखा बट शी वॉज कॉल्ड भोली, क्योंकि भोली क्या थी, बोलती नहीं थी, और उसका रियल नाम तो सुलेखा था लेकिन उसको सब भोली बुलाते थे क्योंकि भोली बहुत भोली थी। द सिंपल टोन एज शी वॉज अ बैकवर्ड चाइल्ड, तो ज़्यादा बोलती भी नहीं थी और ये बैकवर्ड चाइल्ड थी, मतलब क्या था, उसका जो डेवलपमेंट है वो लेट हुआ, 5 साल के बाद तो बोलना सीखी थी। हर पेरेंट्स ऑलवेज बिलीव दैट नो वन वुड मैरी भोली एज शी डिड नॉट लुक प्रिटी लाइक हर सिस्टर्स। तो उसकी सिस्टर्स जितने भी हैं सब अच्छी दिखती थी, लेकिन जो भोली है वो एकदम गंदी दिखती थी, ऐसा चैप्टर में बोला गया है। इसलिए क्या था, सब लोग सोचते थे, उसके पेरेंट्स जो है सोचते थे कि उसे उसके साथ कोई शादी नहीं करेगा। अब आगे क्या दिया है, सी वॉज नॉट टेकन केयर ऑफ बाय हर फैमिली, उसकी फैमिली में भी उसको क्या था, कोई मतलब ये सिर्फ ऐसे रहने के लिए बस घर में रहे, और उसको क्या करता था, कोई भाव नहीं देता था, उसको
दुख दर्द कोई नहीं समझता था। उसके बाद दीज डिफरेंसेज इन भोली मेड हर एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर बाई हर सिबलिंग्स एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ नेगलेक्ट बाय हर ओन पेरेंट्स। ये सब डिफरेंसेस के चलते क्या करते थे, सब उसको क्या करते थे, नेगलेक्ट कर देते थे, मतलब देखते थे उसके बारे में सोचता ही नहीं था कोई। सोसाइटी इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट हु आर डिफरेंट। तो जो भी डिफरेंट लोग रहते हैं उन्हें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, ऐसा रिवाज हो गया है हमारे सोसाइटी का। दे शुड बी ट्रीटेड विद सेम लव एंड रिस्पेक्ट एज अदर्स। जैसे कि सब लोग को ट्रीट किया जाता है वैसे ही उनको भी करना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7th। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7th हमें क्या दिया है, तो देखो जैसे मैंने बोला था सेम क्वेश्चन रिपीट होकर आया है। ये 2018 का क्वेश्चन है और 2016 में आया था। क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द बुद्धा मेक कीसा गौतम रियलाइज द रियलिटी ऑफ डेथ। ये भी 4 मार्क्स का है तो उसके हिसाब से ही लिखना है। कीसा गौतमी लॉस्ट हर ओन लीसन, तो क्या है मैंने दूसरा टाइप का आंसर लिया है, सेम आंसर लूंगा तो फिर वही हो जाएगा ना। तो कीसा गौतमी ने अपने एक लौते बेटे को खो दिया था। शी कुड नॉट बिलीव दिस एज आस्क एवरीवन टू गिव हर द मेडिसिन टू रिवाइव हर सन। तो उसके जो बेटा है उसे रिवाइव करने के लिए सबसे वो मेडिसिन मांगने लगी घूम फिर के कि मेरे को मेडिसिन दे दो, मेरे बच्चे को मेरे को जिंदा करना है। उसके बाद When she approached Buddha, she was asked to bring a handful of mustard seed from a house where no one has died. अब वो क्या बोलते हैं बुद्धा के पास, किसी ने बोला कि जब बुद्धा के पास उनको तुमको इलाज बताएंगी, तो बुद्धा के पास गई तो बुद्धा बोले हाँ मैं कर दूंगा लेकिन तुमको एक काम करना पड़ेगा कि मस्टर्ड सीड लेके आओ। तो उस सब जगह ढूंढती है मस्टर्ड सीड ऐसे घर से जहाँ कोई मरा ना हो। तो ऐसे घर में उसको ऐसा कोई घर नहीं मिलता जहाँ कोई मरा ना हो और उसे ऐसा कोई घर नहीं मिलता, इसके चलते वो मस्टर्ड सीड नहीं ला पाती। बट कीसा गौतमी कुड नॉट फाइंड सच हाउस। उसके बाद शी देन रियलाइज दैट द डेथ इज इनएविटेबल एंड नो वन कैन एस्केप इट। तो देखो इसके बाद उसे रियलाइज होता है कि डेथ तो इनएविटेबल है, मतलब कि कभी भी आ सकती है, तो क्या करना चाहिए उसे, इससे एस्केप नहीं करना चाहिए, मतलब भागना नहीं चाहिए। बुद्धा इन हिज सर्मन टोल्ड हर दैट लाइफ ऑफ मॉर्टल इज ब्रीफ एंड पेनफुल। तो बुद्धा अपने प्रवचन में बोलते हैं कि जो इंसानों की लाइफ है वो ब्रीफ और पेनफुल है। उसके बाद एवरीथिंग दैट इज बॉर्न मस्ट डाइड, जो जिंदा होता है उसे एक ना एक दिन मरना ही रहता है, चाहे कभी कोई यंग एज में मरे कोई ओल्ड एज में मरे। ह्यूमन बींग टू कैन डाई यंग और ओल्ड, वही सेम पॉइंट। द ओनली वे टू ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड इज बाई गिविंग अप सॉरो कंप्लेन्स एंड ग्रीफ। तो क्या है, हमारे माइंड को अगर हमें पीस करना है, मतलब शांत करना है, तो क्या करना पड़ेगा, जो भी दुख दर्द सब है उससे हमें हटना पड़ेगा। शी टॉट हर टू लुक बियॉन्ड हर ओन ग्रीफ एंड एक्सेप्ट द ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड दैट। तो क्या करते उन्हें बोलते कि अपना जो लाइफ है उसका ट्रूथ एक्सेप्ट कर लो कि लाइफ में कोई जो मरता है जिंदा होता है तो उसे एक ना एक दिन मरना ही रहता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया है, वली वॉज अ मैच्योर गर्ल एंड अहेड ऑफ हर एज। अब देखो वली 8 साल की है तो भी मैच्योर थी, हमें जस्टिफाई करना है चैप्टर में क्या दिया है उससे। वली वॉज एन 8-year-old गर्ल, शी लव स्टैंडिंग एट द डोर स्टेप ऑफ हर हाउस एंड वॉच थिंग्स एंड पीपल्स। तो देखो वल्ली क्या है, 8 साल की लड़की है जिसे क्या है पसंद है कि अपने दरवाजे के सामने खड़े होकर बाहर देखे कि कैसे बस जा रही है, लोगों को देखती थी। अब उसको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती थी, द मोस्ट फैसिनेटिंग ऑफ ऑल वॉज टू वॉच द बस ऑन द स्ट्रीट। तो उसको सबसे अच्छा लगता था कि बस जो आती जाती है उसको देखना। हर स्ट्रॉन्ग डिजायर वॉज टू टेक अ बस राइड। तो उसको क्या था, एक बहुत अच्छा डिजायर था, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर था कि उसे बस राइड लेनी है। शी मेटिकुलसली प्लान्ड फॉर इट बाय गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द टाइम द बस टुक टू गो फ्रॉम विलेज टू टाउन एंड इट्स टिकट फेयर। तो क्या करती है, सब इन्फॉर्मेशन निकालती है कि कितने टाइम, मतलब कितना टाइम लेती है आने जाने को बस, और उसका पैसा टिकट का। सेम क्वेश्चन है प्रीवियस वाला, आपने ध्यान किया होगा। तो शी वॉज डिटरमाइंड टू रेजिस्ट एनी टेम्पटेशंस दैट केम इन हर लाइक वे, लाइक बाइंग पेपरमिंट्स टॉयज और अ राइड ऑन द मेरी गो राउंड इन ऑर्डर टू सेव 60 पैसा फॉर द बस जर्नी। तो क्या हुआ, वो जो जितने भी पेपरमिंट्स हैं उसको क्या करती है, ठुकरा देती है, मतलब बोलती है कि मेरे को बस जर्नी करनी है, ये सब मेरे को नहीं करना। शी बॉर्डर्ड द बस विदाउट एनी वंस हेल्प। तो बस पकड़ लेती है बिना किसी हेल्प के। उसके बाद शी डिड नॉट लाइक बींग कॉल्ड अ चाइल्ड, उसे अच्छा भी नहीं लगता था कि कोई उसे बच्चा बोल दें। शी डिड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। तो क्या करती थी, स्ट्रेंजर्स से वो बात नहीं करती थी। तो क्या है, मैच्योर लोग जो रहते हैं, मैच्योर जो हो जाते हैं बच्चे लोग, वो क्या करते हैं, स्ट्रेंजर से जल्दी बात नहीं करते। तो ये क्या है, ये सेम हमें दिख रहा है इधर। दिस शोज हर कमांडिंग कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डिपेंडेंट नेचर। तो इससे हमें क्या दिखता है, उसका कॉन्फिडेंस दिखता है और खुद के ऊपर पूरा डिपेंड है वो दिखता है। दिस ऑल्सो शोज हर डिटर्मिनेशन एंड मैच्योरिटी ऑफ हर एज। तो यही हमें दिखाता है उसकी मैच्योरिटी के बारे में। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसके बाद हम लोग का जितना भी प्रीवियस पूछा गया था जो भी 5 साल में है वो हो जाएगा।
तो देखो क्वेश्चन दिया है, मिसेस फॉरेस्टियर प्रूव्स टू बी अ ट्रू फ्रेंड ऑफ लोजिल, एलैबोरेट। अब फॉरेस्टियर कौन थी? जो लोजिल है, मिसेस लोजिल, उसकी फ्रेंड थी, तो उसके बारे में बताना है कि एक ट्रू फ्रेंड है कैसे। तो देखो पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे थी वो। क्योंकि जब देखो लोजिल को जब नीड थी किसकी नेकलेस की, तब वो उसके पास गई, तो उसने क्या किया, पूरा अपना ड्रावर खोल दिया, मतलब पूरा उसने बोला तुमको जो चाहिए ले लो। तो उसने अपने हाथ से निकाला, एक उसको डायमंड का नेकलेस मिला, उसने वो लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसने वो नेकलेस घुमा दिया था, उसने पूरा क्या हुआ, जितना भी सफ़र किया वो लास्ट में उसको बताती है। अब क्या हुआ, मिसेस फॉरेस्टियर जो है वो चाहती तो बोल सकती थी कि अरे वो तो डायमंड नेकलेस नकली था, सॉरी असली ही था, मतलब वो झूठ नहीं, झूठ बोल सकती थी कि हाँ तुमने मतलब घुमा दिया ये वो। लेकिन क्या हुआ, उसने क्या बोला, सच बोल दिया कि हाँ अरे यार वो तो डायमंड नेकलेस नकली था। वो ऐसा भी कर सकती थी कि उसको बेच के खा सकती थी वो पैसा डायमंड का, लेकिन क्या किया उसने, उसको सच बता दिया। तो यही चीज़ हमें बताती है कि वो एक ट्रू फ्रेंड है, जो क्या करती है, सच का साथ देती है, मतलब कि वो एकदम अच्छी सी फ्रेंड है। तो यही हमें एक्सप्लेन करना है, मिसेस फॉरेस्टियर डेफिनेटली प्रूव टू बी अ ट्रू फ्रेंड ऑफ द लोजिल। अब ये हमें एक्सप्लेन करना है, शी हेल्प मिसेस लोजिल इन टाइम ऑफ नीड। तो जब मिसेस लोजिल को नीड थी चीज़ की, तब उसने हेल्प किया था। मेटिल्डा वेंट टू मिसेस फॉरेस्टियर टू बोरो अ नेक पीस फॉर द पार्टी। तो पार्टी के लिए उसने नेक पीस, मतलब मेटिल्डा गई थी उसके घर पे नेक पीस बोरो करने। मिसेस फॉरेस्टियर लेट हर टू ट्राई ऑल हर ज्वेल। तो सारी उसने बोला कि तुमको जो भी ज्वेल चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, ट्राई कर लो और ले लो। मेटिल्डा ट्राइज ईच एंड एवरी पीस ऑफ ज्वेल एंड फाउंड अ सुपर नेकलेस ऑफ डायमंड। तो मेटिल्डा को एक अच्छा सा डायमंड से नेकलेस मिलता है, तो पूछते हैं मैं ले लूँ, तो वो बोलती है फॉरेस्टियर हाँ ले लो। मिसेस फॉरेस्टियर हाउ मच ट्रबल शी हैड टू गो थ्रू बिकॉज ऑफ द डायमंड नेकलेस। अब देखो वो बताती है मिसेस फॉरेस्टियर को कि जितना भी उसने ट्रबल फेस किया था डायमंड नेकलेस की वजह से, वो सब उसको बता देती है। उसके बाद जो मिसेस फॉरेस्टियर है उसको सॉरी सा फील होता है, शी फील्स वेरी सॉरी एंड टोल्ड हर द ट्रूथ दैट नेकलेस वॉज फेक। अब देखो मिसेस फॉरेस्टियर है वो चाहती तो क्या होता, डायमंड का नेकलेस बहुत महंगा था, तो बोल सकती थी कि नहीं बताती ना कि वो नकली नेकलेस नहीं है, तो क्या कर सकती थी वो, उसके पास नकली की जगह असली आ जाता, लेकिन उसने बता दिया कि वो नकली था। तो इससे हमें पता चलता है कि वो एक ट्रू फ्रेंड थी। शी कुड नॉट है, शी कुड हैव हिडन द ट्रूथ बट शी चूज टू टेल हर द ट्रूथ। तो सच छुपा सकती थी लेकिन उसने नहीं छुपाया। ऑल दीज थिंग्स शोज दैट शी वॉज रियली अ ट्रू फ्रेंड। तो ये सब चीज़ हमें दिखाता है कि वो उसकी एक सच्ची दोस्त है। अब देखो इसी के साथ हम लोग का जो प्रीवियस 5 ईयर्स का क्वेश्चन था वो पूरा खत्म होता है, ये 9 के 9 क्वेश्चन हैं। और अगर आपको ये आंसर छोटा लग रहा है तो एक बार अपने बुक पे लिख के देख सकते हो। और देखो आपको ये बाकी सब्जेक्ट का भी चाहिए अगर, तो आप कमेंट में मेंशन कर देना। इसका अगर PDF चाहिए तो आप क्या करो, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज करो, क्योंकि आपका इधर PDF लिंक नहीं दे सकता ना, तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा PDF। तो इंस्टाग्राम पे जाके आप मेरे को मैसेज करो, आपको मिल जाएगा उधर PDF। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।